हाल ही में रितेश आए थे सोशल मीडिया पर लाइव। लाइव आकर उन्होंने राखी सावंत और उनसे जुड़ी कई बातों के जवाब दिए। जी हाँ, यहाँ उनसे कई सारे सवाल थे, कुछ एलिगेशंस थे, जिस पर रितेश बहुत सारी बातें करते हुए नजर आए हैं। पहले तो ये कि राखी की बीमारी छूटी थी। रितेश ने कहा सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है और उनके सबूत जो हम आपको दिखा भी सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि अगर राखी बीमार नहीं होती, उन्हें ट्यूबर नहीं होता, तो क्या राखी की आज ये कंडीशन होती? क्या बात बात पर झूठ होकर इस तरह अपनी वो हालत दिखाती? और अगर बीमार भी नहीं होती तो क्या राखी इतने दिनों तक अस्पताल में रहती? राखी की ये कंडीशन देखकर लोगों ने बहुत से अटकलें लगाई कि राखी कोर्ट से बचने के लिए, केस से बचने के लिए ये सब चीज़ें कर रही हैं, लाइमलाइट में आने के लिए कर रही हैं। इवन आदिल खान दुरानी ने भी ये कहा था कि राखी की बीमारी झूठी है, उन्हें कोई भी ट्यूमर नहीं है और कोई भी बीमारी नहीं है। इस पर रितेश ने यही कहा है कि आदिल तो ये सब चीज़ें कहेगा ही, क्योंकि उसने राखी के बारे में कभी भी कोई चीज़ जानने की कोशिश नहीं की, ख्याल नहीं रखा। राखी को आज अगर ट्यूमर हुआ तो आदिल को जब इसकी कोई जानकारी ही नहीं है, वो उसे नफरत करते हैं और उसके ऊपर लगातार केस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी इस बीमारी को भी वो झूठा ही कहेंगे। और क्लियरली ये देखा जा सकता है कि आखिर किस तरह से राखी सावंत के इस बुरी कंडीशन में रितेश ने उनका भरपूर साथ दिया। यहाँ रितेश ने यह भी कहा है कि आदिल खान दुरानी कई केसेस लगाए हुए हैं इस वक्त राखी सावंत पर, जबकि ये क्लियर था कि मुंबई से बाहर जाकर कई सारे ऐसे रिश्ते रहे आदिल के, जहाँ पर उन्होंने लड़कियों का इस्तेमाल भी किया। आदिल पर सिर्फ राखी का नहीं, और भी लड़कियों का केस है। आदिल ने राखी के साथ बुरा सलूक किया, मारा भी, गाली गलौज भी, और बहुत सारी चीज़ें उनका धर्म भी बनवाया, लेकिन कुछ ऐसा रिश्ता नहीं निभाया जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए, विश्वास का। और सिर्फ उन्होंने राखी का इस्तेमाल ही किया। राखी आज उनके सच को सामने लेकर आ रही हैं, तो राखी की कंडीशन को, राखी की हर चीज़ को झूठा ठहराकर वो उनको हर जगह बदनाम ही करना चाहते हैं। वेल, आदिल खान दुरानी और राखी का ये किस्सा कब जाकर सॉल्व होता है तो देखना होगा, लेकिन रितेश का जिस तरह साथ नजर आ रहा है राखी के लिए, वो ऑडियंस को जरूर पसंद आया, और ये भी उन्होंने कहा कि वो राखी का साथ जरूर देते रहेंगे। वेल, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाएं।